बड़ी खबर आपको बता दें जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से आ रही है। यहां के कनीना कस्बे के पास कनीना दादरी सड़क मार्ग पर सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर बच्चों को ले जाने वाली बसों का और उनकी सुरक्षा का ये मामला सामने आया है कनीना दादरी के इस इलाके के अंदर सड़क हादसे से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता करणवीर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। करणवीर, जरा बताइएगा यह हादसा किस वक्त हुआ वहां पर, और उसके बाद अभी तक जो बच्चे घायल हैं उन्हें कहां ले जाया गया है, कितने बच्चों की स्थिति इस समय नाजुक बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से सुबह स्कूल का आने का वक्त था, तो ये गाँव से लेकर के बस स्कूल आ रही थी। कनीना कस्बे में स्कूल स्थित है, निजी स्कूल, और इसके जो है इस बस के अंदर 45 बच्चे जो है सवार बताए जा रहे हैं, और इनमें से जो है 20 बच्चे ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। 6 बच्चों की मौत हो चुकी है इस भीषण और जो है ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके अंदर 6 बच्चों की, स्कूली बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है अभी तक। और इनको कनीना के एक सरकारी और एक जो निजी अस्पताल है वहां पहुंचाया गया था। वहां जो है एक निजी अस्पताल के अंदर 5 बच्चों की मौत की पुष्टि वहाँ के डॉक्टर्स ने की, और एक जो बच्चा है वो सरकारी अस्पताल में उसकी मौत हुई है। तो इस प्रकार से 6 बच्चे जो है इस पूरे दुखद हादसे के अंदर उनकी मौत हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सड़क हादसे के अंदर 6 बच्चों की मौत ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मामले को उभार दिया है और उस पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। Zee News.